गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय बुक क्लब। आइए शुरू करते हैं अपना 23 अक्टूबर का डेली करंट अफेयर्स का लेक्चर। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर वन देखिए क्या लिखा हुआ है। इंडियाज मिनरल प्रोडक्शन हैज रिकॉर्डेड हाउ मेनी परसेंट क्यूमुलेटिव ग्रोथ ड्यूरिंग द पीरियड अप्रैल अगस्त 2020-2023। ओके, अप्रैल टू अगस्त। भारत के खनिज उत्पादन ने अप्रैल से अगस्त 2022-23 की अवधि के दौरान कितने प्रतिशत संचय की वृद्धि दर्ज की है? कितने प्रतिशत की है? 4.2% की है। ओके, फिशरीज प्रोडक्शन में इंडिया की रैंक कितनी है? इंडिया रैंक थर्ड पे आता है। शुगर प्रोडक्शन में इंडिया रैंक सेकंड पे आता है। जूट प्रोडक्शन में इंडिया रैंक वन पे आता है। सर्वाधिक फलों का उत्पादन कहाँ पे होता है? आंध्र प्रदेश में होता है। एंड सर्वाधिक सब्जियों का उत्पादन यूपी में होता है। शुगर से रिलेटेड एक न्यूज है, आप लोग सुन लो। इंडिया शुगर प्रोडक्शन में रैंक सेकंड में आता है, बट इंडिया अब शुगर अपने भारत के बाहर बेचता नहीं है, उसके शुगर एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा हुआ है। इन केस अगर किसी कंट्री को किसी प्राइवेट कंपनी से शुगर चाहिए भी, तो उसको पहले इंडियन गवर्नमेंट से कॉन्टेक्ट करना होगा। कोई भी प्राइवेट कंपनी डायरेक्ट बाहर एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगी बिना गवर्नमेंट की परमिशन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। विच हैज साइंड एमओयू विद एसजेवीएन थर्मल प्राइवेट लिमिटेड एसटीपीएल फॉर फाइनेंसिंग 2x660 मेगावाट, 2x660 मेगावाट कोल बेस्ड बक्सर थर्मल पावर प्लांट, 2x660 मेगावाट कोयला आधारित बक्सर थर्मल पावर प्लांट बीटीपीपी के वित्त पोषण के लिए एसजेवीएन थर्मल पावर प्लांट लिमिटेड के साथ किसने समझौता किया है? किसने समझौता किया है? आरईसी लिमिटेड एंड पीएफसी लिमिटेड ने किया है। अब देखो यहाँ पर जो आपको यहाँ पे एक शब्द दिखाई दे रहा होगा, एमओयू। एमओयू क्या होता है? एमओयू होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। देखो ये ना एक ऐसा एग्रीमेंट नहीं होता, इन केस अगर कुछ रूल्स अगर ब्रेक भी होते हैं तो वो अंडरस्टैंडिंग के थ्रू उसको वापस बनाया जा सकता है, इसलिए इसको एमओयू बोला जाता है। इसलिए हर कंट्री एमओयू ही साइन करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि बाकी जितने भी कंट्रीज कोई प्रॉपर एग्रीमेंट साइन नहीं करती, सिर्फ एक एमओयू साइन कर दी, क्योंकि इन फ्यूचर अगर कुछ चेंजेस करने हुए तो ड्यू टू अंडरस्टैंडिंग वो लोग कुछ चेंजेस कर सकते हैं। ओके, चलो यहाँ पे ना आपको एक अच्छी सी एक लॉ के बारे में बात बताता हूं मैं। आपने देखा होगा कि आप लोग जब भी बहुत सारे लोग अगर जॉब के इंटरव्यू के लिए गए होंगे तो वो लोग बोलते कि आपको यहाँ पे बॉन्ड साइन करना होगा। लगभग सब जगह बोलते ही है कि आपको यहाँ पे बॉन्ड बॉन्ड साइन करना होगा। जो आईटी कंपनीज वाले होते हैं वो लोग मिनिमम 5 ईयर्स का बॉन्ड साइन करा लेते हैं। बॉन्ड का मतलब क्या होता है कि आप लोग पांच साल के बाद ही वो कंपनी छोड़ के किसी और कंपनी में जा पाएंगे। इन केस अगर आप लोग 5 साल के पहले जाते हैं तो आपको उनको कुछ फाइन भरना पड़ेगा, जो कि फाइन अच्छा खासा होता है, लाखों में फाइन होता है। ओके, चलो अब यहाँ पे ना आपको लॉ की एक बात बताता हूँ। देखो अगर कभी कोई कंपनी आपको ऐसा बोलता है, इन केस अगर आपको मन हुआ कि आपको सेकेंड ईयर में कंपनी छोड़नी है, स्किप करनी है, बट आपका जो मैनेजर है वो आपको बोलता है कि लाओ भाई 10 लाख निकालो, तुम्हारे ऊपर फाइन हम लगा देंगे क्योंकि तुम अपने बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हो, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक सीधा सीधा रूल निकल के आता है कि कोई भी कंपनी आपसे अगर आप कंपनी छोड़ रहे हो तो सिर्फ उतना ही फाइन ले सकती है जितना उन्होंने आपकी ट्रेनिंग के ऊपर खर्चा किया है। ओके, अगर आपकी ट्रेनिंग के ऊपर उन्होंने 1 भी रुपया खर्चा नहीं किया है तो वो लोग आपसे फाइन नहीं ले सकते हैं। इन केस अगर वो लोग फिर भी फाइन लेते हैं तो आप लोग सीधा उस कंपनी के डायरेक्टर्स के ऊपर कंप्लेन कर सकते हो, समझ गए? चलिए तो थोड़ा ऐसा इतना कानून आपको याद रहना ही चाहिए। एक और आपको लॉ में बता देता हूँ। ओके, देखो अगर आप लोग कभी बैंक में लोन के लिए लेने जाओगे, देखो ये सब ना इकोनॉमिक्स में आता है। ओके, देखो अगर आप लोग कभी बैंक में लोन के लिए जाओगे तो बैंक में दो टाइप के लोन मिलते हैं, एक होता है फ्लैट का और एक होता है बैलेंस रिड्यूसिंग रेट के ऊपर। ओके, फ्लैट का मतलब क्या होता है? इनकेस आपने अगर 5 लाख का लोन लिया है
कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर, 6% के ऊपर। तो जो आपको ईएमआई भरनी पड़ेगी हर महीने, मान लो आपने लिया है 3 साल के लिए, ओके, तो जो आपको ईएमआई भरनी पड़ेगी वो पांच, मतलब जो आपको इंटरेस्ट भरना होगा वो 5 लाख के ऊपर ही भरना होगा, ओके। चलो, बैलेंस रिड्यूसिंग रेट में क्या होता है, इन केस आपने ईएमआई लिया 5 लाख था, ओके, बट आपने फर्स्ट मंथ में ईएमआई भर दिया 20,000 रुपीज का, ओके, तो -20,000 होते ही आपके पास कितना बच जाएगा, आपके पास बच जाएगा 4,09,000, आपके पास कितना बच जाएगा, 4,80,000, ओके, 4,80,000 रुपीज बच जाएगा। अब आपका जो इंटरेस्ट लगेगा ना, जो 6% यहाँ पे 5 लाख पे लग रहा है, अब आपका जो 6% लगेगा वो 4,80,000 रुपये लगेगा। आपका जो इंटरेस्ट है वो हर महीने घटता जाएगा, समझ के, जिससे आप लोग इससे प्रॉफिट में रहोगे। तो हमेशा कभी भी अगर आप लोग लोन वगैरह लेते हो तो आपको पूरा जांच जांच परख के लेना है कि आप लोग किसके ऊपर लोन ले ले रहे हो। आपको पता है कोई भी बड़ा बिजनेसमैन टैक्स पे नहीं करता, खुद के जेब से। जैसे कि मैं अगर बता दूं, मुकेश अंबानी खुद अपनी कंपनी में सैलरी लेता है, क्योंकि अगर क्योंकि उसकी जो कंपनी है वो एक पब्लिक कंपनी बन गई है, ओके, जियो नहीं बनी है अभी तक, बाकी उसकी जितने भी सेक्टर्स है सब एक पब्लिक कंपनी है, पब्लिक का शेयर है उसके अंदर, इसलिए वो खुद उस कंपनी में सैलरी लेते हैं। अगर उसने अपनी सैलरी हाइक की तो उसको अपना टैक्स भी भरना पड़ेगा, समझ गए। चलो, अमीर किस लिए बनता है, क्योंकि वो टैक्स के बारे में पढ़ता है, टैक्स के बारे में उसको पता है। इसके लिए इफ यू वांट टू बी अ रिच देन यू हैव टू लर्न अबाउट टैक्स। टैक्स के बारे में आप लोग भी पढ़ो कि टैक्स कहाँ कहाँ पे बच सकते हैं, टैक्स को निकालना कैसे, समझ गए। चलिए, आरएसी लिमिटेड को महारत्न घोषित किया गया है, पीएफसी लिमिटेड भी एक महारत्न है। महारत्न कितने हैं, 12 पीएसयू महारत्न है, और नवरत्न कितने हैं, 12 पीएसयू नवरत्न भी है, ओके। पीएसयू का मतलब क्या होता है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ओके। चलिए देखिए, इंटर मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑन पराली मैनेजमेंट हेल्ड इन विच सिटी, पराली मैनेजमेंट पर इंटर मिनिस्ट्रियल बैठक किस शहर में आयोजित की गई है, कहाँ पर की गई है, दिल्ली शहर में आयोजित की गई है। अब देखो, ये ना थोड़ा सा अच्छा न्यूज है आपके लिए, ये थोड़ा सा आप लोग ने इसको इकोनॉमिक्स से जोड़ के देख सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने आपको अभी पराली के ऊपर लास्ट 2 मंथ्स पहले एक अच्छा सा कंसेप्ट सिखाया था, इथेनॉल वाला, ओके। देखिए यहाँ पे पराली इशू कहाँ कहाँ पे हुआ है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, यहाँ पर क्या मालूम है, पंजाब और हरियाणा में खासकर पराली को आग लगाया जा रहा है, ओके, पराली को आग लगाया जा रहा है और कुछ मौसम से भी लग रहा है। तो बात ये कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि पराली गवर्नमेंट की एक नीड है, जिससे जहां जिससे बहुत सारे स्टेट्स को क्या होगा, प्रॉफिट होगा, क्योंकि गवर्नमेंट को बनाना है इथेनॉल, गवर्नमेंट को बनाना है इथेनॉल, और अगर गवर्नमेंट ये काम अगर प्राइवेट सेक्टर्स को देती है तो वो लोग को भी तो पराली कहीं ना कहीं से लेनी होगी, तो ये लोग अपनी पराली जो कि लगभग सब लोग आग ही लगा देते थे पहले के टाइम पे, कोई इसको रखता नहीं था, आग लगा देंगे या फिर गाय भैंसों के आगे चारा बना के दे देंगे, बट इन केस अब तो इसका काम है ना, अब तो इसका काम है, तो इसको आग किस लिए लगाया जा रहा है, इसको सीधा स्टोर करके रखना चाहिए, ओके, ताकि ये इन फ्यूचर हमको इथेनॉल बनाने के काम है। और जो ये आग लगाया जा रहा है उससे एनवायरमेंट को भी बहुत दिक्कत पहुंच रही है, ओके। तो मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट कौन है, अपने भूपेंद्र यादव जी है, तो इसकी बैठक कहाँ पे लगी, दिल्ली में लगी, इसको रोका कैसे जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, 14th edition of World Spice Congress WSC will be held in which city from 16 to 18 February 2023 on the sidelines of the G20 meet. World Spice Congress का 14वां संस्करण G20 meet के दौरान 16 से 18 फरवरी 2023 तक किस शहर में आयोजित किया जाएगा, कहाँ पे किया जाएगा, मुंबई शहर में आयोजित किया जाएगा। World Spice Congress 2023 कहाँ पे किया जाएगा, मुंबई में किया जाएगा। G20 summit 2023 कहाँ पे होगा, आपका इंडिया में होगा, ओके। प्रवासी भारतीय सम्मेलन
2023 कहाँ पे होगा आपका? इंदौर में होगा। एससीओ समिट 2023 कहाँ पे होगा आपका? इंडिया में होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज बीन इलेक्टेड एज अ न्यू कांग्रेस प्रेसिडेंट? कांग्रेस के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? किसे चुना गया है? मल्लिका अर्जुन खड़गे को चुना गया है। ओके, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस कौन थे? हमारे कौन थे? बैनर्जी साहब थे। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस कौन थी? एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट। 2022 प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे। और इस बार कांग्रेस पार्टी ने एक शर्त भी रखी थी कि इस बार कांग्रेस का अध्यक्ष कोई भी गांधी फैमिली से नहीं बनेगा। ओके चलिए। हु हैज वन इंडियाज फर्स्ट ग्रीको रोमन मेडल इन अंडर 23 रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप? अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में भारत का पहला ग्रीको रोमन पदक किसने जीता है? किसने जीता है? साजन भानवाला ने जीता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर पहले यहाँ पर देख ले, ग्रीको रोमन मतलब क्या होता है? एक रेसलिंग का स्टाइल है। ओके, स्टाइल ऑफ रेसलिंग। अंडर 23 रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन कौन से देश ने किया था? स्पेन ने किया था। फर्स्ट मेडल इन ग्रीको रोमन किसको मिला है? साजन भानवाला को मिला है। आईसीसी T20 इंटरनेशनल वर्ल्ड कप 2022 कहाँ पे हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में जीता था। ओके चलिए देखिए, ये फर्स्ट मेडल इंडिया ने पहली बार जीता है। ओके चलिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंटीग्रेटेड पेंशनर्स पोर्टल लॉन्च फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स? केंद्र सरकार के पेंशनर्स के लिए शुरू किए गए एकीकृत पेंशनर पोर्टल का क्या नाम है? क्या नाम है उसका? उसका नाम है भविष्य। ओके देखो, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। यहाँ पर पेंशन क्या होता है मालूम? मैं एक जनरल सा आइडिया दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोग भी यूथ हो। गवर्नमेंट जॉब तो सही बात है, पूरी आबादी के सिर्फ 2% लोगों को ही मिलता है, जो आपकी 2.2% पहुंच गई है। मैं एक्सपर्ट मान के चलता हूँ, अगर 3% लोग को गवर्नमेंट जॉब मिलती है तो बहुत बड़े हिस्से के पास गवर्नमेंट जॉब नहीं होगी, बट इनकेस उनको भी तो पेंशन चाहिए दोस्तों। तो लोग अपने पेंशन के लिए क्या किया जाए? सबसे सिंपल सा चीज है, मैं आपको बता रहा हूँ, मिनिमम अमाउंट से शुरू करो अपना SIP। किसी भी म्यूचुअल फंड या फिर इंडेक्स फंड में थोड़ा सा इसके बारे में नॉलेज लो कि ये क्या है, कैसे इन्वेस्ट करना है। गूगल करो, यूट्यूब करो, आपको सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। SIP आप लोग अपना खुलवा लो, मिनिमम 500 या फिर 2000 रुपीज से भी आप लोग चालू कर सकते हो मंथली के। ओके, और इसको ना अपने जब आप लोग रिटायर नहीं होगे 30 साल तक आप लोग इसको भरते रहो, और हर साल जैसे जैसे आपका इन्फ्लेशन बढ़ता रहेगा ना, जैसे कि इन्फ्लेशन अभी अपने देश का 7% है, आपने अगर एक साल केवल 2000 रुपए भरा है तो अगले साल इसका 7% भरना, समझ गए? कितना भरना इसका? इसका 7% भरना, मतलब 1400। ओके, कितना भरना आप लोग? 1400 भरना इसका 7%। ओके, 2000 का 7% कितना होता है? देखो, 14, 140। ओके, कितना होता है? 140 ही होता है। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग ना केवल इसके इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से इसके अंदर ना प्राइस इंक्रीज करते रहना, समझ गए आप लोग? जैसे कि अगर आपका इन्फ्लेशन रेट 7% है तो आप लोग अगले साल 2140 रुपए ही भरना हर महीने, फिर अगले साल 7% से फिर बढ़ा देना, वो भी किसका 7%? इसका 7%, समझ गया? तो इससे क्या होगा, जब आपको अपने SIP का रिटर्न मिलेगा, अगर इनकेस आप लोग 2000 रुपए भर रहे हो, ओके, और आपने अगर अच्छे SIP में इन्वेस्ट किया तो आपको मैक्सिमम इंटरेस्ट 13% तक अगर मिलता है, तो आप लोग 30 साल में 2000 रुपए डालोगे 7 लाख रुपए, बट आपको मिलेंगे 70 लाख रुपए। ओके, तो एक ये बोलते हैं ना, आपको एक पेंशन योजना स्कीम है जिसके पेंशन में आप लोग पैसे डाले जा रहे हो, समझ गए? तो जब आप लोग अगर इनकेस प्राइस बढ़ाते रहोगे अपना हर साल 7%,
तो ये 70 लाख 1 करोड़ तक भी पहुंच सकता है, समझ गए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसके लिए थोड़ा सा नॉलेज रखा करो कि आपको कहाँ से प्रॉफिट होगा, कहाँ से नुकसान होगा, जिससे कि ना आप लोग हमेशा प्रॉफिट में ही रहोगे। ओके चलिए, विच कंट्रीज हैव बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट एंड को प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में किन देशों को चुना गया है, किन देशों को चुना गया है, इंडिया और फ्रांस को चुना गया है। ऐसे का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, हेडक्वार्टर कहाँ है, गुरुग्राम में, डायरेक्टर कौन है, अजय माथुर, 109वां मेंबर कौन है इसका, यूक्रेन है। ओके, यूक्रेन की करेंसी क्या है, हर्विनिया, और यूक्रेन का कैपिटल क्या है, कीव। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली विच स्टेट हैज सेलिब्रेटेड काटी बिहू हार्वेस्ट फेस्टिवल, हाल ही में किस राज्य ने काटी बिहू फसल उत्सव मनाया, किस राज्य ने मनाया, असम राज्य ने मनाया है। ओके, बैशागु कहाँ पे मनाया जाता है, आसाम में मनाया जाता है, भोगाली बिहू भी आसाम में मनाया जाता है, वहां पे काटी बिहू, भैकू, वन शुवार, रोंग क्या नाम, रोंगली बिहू, ये सब आसाम में मनाया जाता है आपका। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कंट्री हेड ऑफ इंडिया बाय जेपी मॉर्गन, जेपी मॉर्गन ने किसे भारत का नया कंट्री हेड नियुक्त किया है, किसे नियुक्त किया है आपका, कौस्तुभ कुलकर्णी को नियुक्त किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री विल होस्ट एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन एशियन कप 2023, कौन सा देश एशियाई फुटबॉल परिसंघ एशियाई कप 2023 की मेजबानी करें, कौन सा देश करने वाला है, कतर करने वाला है। ओके चलिए, तो यहाँ पे कुछ जर्नल इंफॉर्मेशन है आपका, इसको आप लोग नोट डाउन कर लेना क्योंकि ये स्पोर्ट्स है, मैं इसलिए इसको रीड नहीं करने वाला हूँ। चलिए, हु हैज बीन नेम्ड हाई हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर HPDF फॉर इंडियन बॉक्सिंग, भारतीय मुक्केबाजी के लिए उच्च प्रदर्शन निदेशक के रूप में किसे नामित किया गया है, किसे नामित किया गया है, बिनार्ड डून को नामित किया गया है। ओके, इंडियन बॉक्सिंग फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में है, इंडियन बॉक्सिंग फेडरेशन के चीफ कौन है, अजय सिंह जी। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री फाइल्ड एन एप्लीकेशन, ओके फाइल्ड एन एप्लीकेशन सीकिंग अ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग फॉर निहोनशु एंड अल्कोहलिक बेवरेज, निहोनशु एक मादक पेय के लिए भौगोलिक संकेत अर्थात GI टैग की मांग करते हुए किस देश ने आवेदन जारी किया है, किसने किया है, जापान ने जारी किया है। ओके तो मेरे को जापान से एक बुक का नाम याद आया, बुक का नाम है इकिगाई। ओके अभी तो न्यूज आपने क्या देखी, एक मादक पेय के लिए भौगोलिक संकेत की मांग करते हुए किस देश ने आवेदन दायर किया, जापान ने किया। और अगर आपको एक अच्छा जीवन जीने का तरीका मालूम करना है तो इकिगाय करके जापान के एक लेखक द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जिसको अगर आप लोग पढ़ते हैं तो आपको एक अच्छा जीवन, अच्छा सेहत, अच्छी लाइफस्टाइल अपनाने में बहुत मदद मिलेगी, और मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग ये पुस्तक जरूर पढ़ें। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विच पेमेंट बैंक हैज कोलैबोरेटेड विद रिजर्व बैंक इनोवेशन हब फॉर इनोवेशन इन फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, वित्तीय उत्पाद और सेवाओं में नवाचारों के लिए किस भुगतान बैंक ने रिजर्व बैंक इनोवेशन हब RBI के साथ साझेदारी की है। ओके
किसने की है ये साझेदारी? इंडिया कॉमर्स, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने ये साझेदारी की है। ओके, सेवाओं में नवाचार मतलब कि और नए सिस्टम और नए फीचर्स लाए जाएंगे। ओके चलिए, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब कहाँ पे आपका? बेंगलुरु में। आरबीआई लर्निंग एंड डेवलपमेंट सेंटर कहाँ पे आपका? मैसूर में है। आरबीआई इंक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट क्या आपकी? मैसूर में। ओके, ये सब मैं आपको बहुत पहले ही बता चुका हूँ। चलिए, ऑन विच कंट्री सीसीआई इम्पोज मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी सेंक्शंस फॉर इंडल्जिंग इन एंट्री कॉम्पिटिटिव कंडक्ट? किस कंपनी पर सीसीआई ने प्रतिस्पर्धा विरोधी आचरण में लिप्त होने के कारण मौद्रिक और गैर मौद्रिक प्रतिबंध लगाए? किसके ऊपर लगाए हैं आपके ऊपर? मेक माय ट्रिप, गो आई वीबो और ओयो, तीनों के ऊपर लगाए हैं। तो ऑल ऑफ दिस। ओके चलिए, और तीनों के तीनों आपके लिए होटल्स बुक करने में मदद करते हैं, आप लोग जहां कहीं भी रहेंगे। ओके बच्चों, चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, कोई डाउट वगैरह हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अच्छे से अपनी दिवाली एंजॉय करो। ओके, और न्यू ईयर के दिन रेजोल्यूशन पता नहीं कितने लोग बनाते कि नहीं बनाते, बट दिवाली में रेजोल्यूशन बहुत लोग बनाते हैं और उसको पूरा भी करते हैं। तो हैप्पी दिवाली। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत बच्चों, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। चलिए बाय।